6% इस समय HDFC बैंक ऊपर, और एक बार जरा वापस वो बैंक निफ्टी कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइए और इसको फ्रेम कर लीजिए, क्योंकि ये दोबारा नहीं दिखेगा आपको इस तरीके का मूव, जो एक रिमार्केबल 787 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन बैंक निफ्टी में HDFC बैंक कर रहा है, और बैंक निफ्टी कितना ऊपर है अर्शदा, 604 पॉइंट। तो मतलब अगर ये HDFC बैंक आज नहीं होता तो क्या होता बैंक निफ्टी का, मतलब तो इमेजिन करिए। और निफ्टी में भी HDFC बैंक और HDFC दोनों का अच्छा कंट्रीब्यूशन है, एक बार निफ्टी का भी कंट्रीब्यूशन लेकर आइए। तो इसके लिए मैं जो कह रहा था कि एक्चुअली इन दो स्टॉक्स, एक्स ऑफ दीज टू स्टॉक्स, मार्केट ने आज कोई बहुत खास नहीं किया। 100 पॉइंट HDFC बैंक की वजह से, 70 पॉइंट निफ्टी HDFC की वजह से, 170 पॉइंट हाँ निफ्टी में, लेकिन IT का कंट्रीब्यूशन है थोड़ा सा, IT का है, थोड़ा रिलायंस का है, और ये सब कंट्रीब्यूशन है। लेकिन निफ्टी जो है अभी तैयारी कर रहा है 18,350 के ऊपर की लाइफ की, और शायद मेरे ख्याल से मंडे या ट्यूसडे को, बिकॉज डाउ फ्यूचर्स भी ऊपर दिखा रहे हैं वापस, मंडे या ट्यूसडे को एक और गैप अप हुआ तो शायद लाइफ हाई भी एक बार निकल जाएगा। उसकी तो पूरी तरह से हमने भी तैयारी कर ली है ना, जो तो क्या तैयारी की हमने, सेलिब्रेट करना ही पड़ेगा। और जो कहते हैं ना एक इंक्लूसिव रैली, उसी के पूरे लक्षण देखने को मिले हैं, क्योंकि हम बात HDFC बैंक की कर रहे थे, एक बार निफ्टी बैंक को रिविजिट किया जाए। ये जो 42,200 के लेवल्स देखने को मिले हैं, जिस तरह का योगदान HDFC बैंक का देखने को मिला है, मानस अगर एक बेहद अग्रेसिव ट्रेड लेना हो वो क्या रहेगा? क्या कोई ऑप्शन में आपको ऐसा लेवल दिखाई दे रहा है आते हुए जहां पर एक इंटरेस्टिंग स्ट्राइक ली जा सकती है निफ्टी बैंक में, या फिर आप प्रिफर करेंगे सीधा स्टॉक में ट्रेड लेना HDFC बैंक में? HDFC बैंक में नो डाउट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट आया है, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रीच हुए, और मेरा समझना है कि यहाँ पर अब आपको बहुत ही जल्द 1700 रुपए तक का भाव देखने को मिलेगा। तो लेकिन फिर भी मैं प्रेफर इस टाइम बैंक निफ्टी करूंगा, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी में उस तरह की तेजी नहीं देखने को मिली जिस तरह की HDFC बैंक में देखने को मिली है। और मेरा समझना यह है कि बैंक निफ्टी शायद अब आपको बहुत ही जल्द 43,500 के लेवल्स को दिखा सकता है। तो बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना मैं प्रेफर करूंगा, और जो 42,300 का कॉल ऑप्शन है, करीब 490 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करने की राय रहेगी। ये पोजिशनल ट्रेड होगा जहां आपके स्टॉप लॉसेस 325 रुपए के रहेंगे, लेकिन ऊपर की तरफ 850 रुपए तक के भाव इस ऑप्शन के आप देख सकते हैं। हर्षदा एक चीज़ और आपने नोटिस की होगी, हम कल ही डिस्कस कर रहे थे, कल HDFC बैंक भागा था एकदम से 3 से 3.5 के बीच में, जी हाँ एकदम से भागा था, और उसने वो जो बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट का मूव दिखाया था। कल जब हमारी आशीष चतुर्मोदा जैसे बात हो रही थी कि 41,500 से 41,650 तक, और 41,650 पे भी गया था वो। तो अब इसको दो तरीके से देख सकते हैं, शायद किसी को एक हिंट था क्लियरली, क्योंकि वरना कल लास्ट के आधे घंटे सिर्फ HDFC बैंक नहीं भागा होता, तो किसी को हल्का सा हिंट तो था कि ये MSCI का आना है, और ये ऑफिशियल है, तो कहीं ना कहीं कहीं लीक हुआ है या जो भी हुआ, लेकिन किसी को पता था, या तो लीक हुआ या पता नहीं, या तो किसी ने बहुत दिमाग लगाया, या फिर जो मैं बात बोल रहा हूँ कि जो इंडिया का ट्रेडर है जो 3 से 3.5 से 3:30 बजे जो ट्रेड लेता है, वो सबसे स्मार्ट जो एक ट्रेडर है वो है। देखिए लगातार, क्योंकि 2:30 से 3:30 बजे आप जो ट्रेड ले रहे हो, खासतौर से अगर आप डेज लो पे हो या डेज हाई पे हो, तब आप एक ट्रेड ले रहे हो, तो आप एक प्रीएम्प्ट कर रहे हैं अगले दिन का मूव। इसके लिए आज का जो 2:30 से 3:30 का मूव है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अभी डाउ फ्यूचर्स ऊपर दिखा रहे हैं, लेकिन क्या एक 2:30 से 3:30 में ये मूव सस्टेन होगा कि नहीं होगा। लेकिन जो एक मूव आता है उससे पिछले 3-4 दिन से लगातार आप देखें, एक्चुअली सिर्फ एक वेडनेसडे को मूव डाउन साइड पर आया था, तो थर्सडे को गैप डाउन हुआ था। तो हमारा जो भी 3 to 3:30 का मूव आ रहा है ना, वो एक ट्रेडर कैप्चर कर रहा है, दिमाग लगा के कर रहा है, जिस भी कारण से कर रहा है, लेकिन कैप्चर कर रहा है कि US में क्या मूव आएगा और अगले दिन हमें गैप अप मिलेगा या गैप डाउन मिलेगा।